अली अब्बास जफर के निर्देशन में बनी सलमान खान की सबसे बड़ी फिल्म भारत का टीजर रिलीज हो गया है। भारत इसी साल ईद के मौके पर रिलीज की जाएगी। वैसे टीजर के पहले ही सेट के सितारों के कुछ लुक सामने आए थे जो काफी वायरल भी हुए। फिल्म में सलमान खान कई किरदारों में नजर आएंगे। सलमान खान के साथ कैटरीना कैफ, सुनील ग्रोवर, दिशा पटानी भी अहम भूमिकाओं में। ये फिल्म कोरियन मूवी ऑड टू माई फादर पर आधारित बताई जा रही है। टीजर में सलमान के दमदार डायलॉग के साथ धमाकेदार एंट्री दिखाई गई है। वह रॉकस्टार के लुक में बाइक से एंट्री करते नजर आ रहे हैं। टीजर में एक्टर को कई लुक्स में दिखाया गया है। स्टंटमैन, नेवी ऑफिसर, बॉक्सर और मिडिल एज शख्स के लुक में नजर आए हैं। सलमान के कैरेक्टर का नाम भारत है। टीजर में दबंग खान को ही प्राथमिकता दी गई है। 1 मिनट 26 सेकंड का टीजर प्रभावी है, लेकिन इसमें कैटरीना, दिशा पटानी, सुनील ग्रोवर या दूसरे कलाकार नजर नहीं आते। पहली बार किसी फिल्म में सलमान खान के कई शेड्स देखने को मिलेंगे। इससे पहले सलमान ने जुड़वा में डबल रोल किया था। उनका एक किरदार सीधा साधा जबकि दूसरा किरदार टपोरी किस्म का था। जुड़वा बॉक्स ऑफिस की बड़ी हिट थी जिसे डेविड धवन ने बनाया था। दबंग खान के फैंस के लिए ये फिल्म ईद का नायाब तोहफा है। सोशल मीडिया पर भी भारत के टीजर को जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। बता दें कि मूवी में पहले कैटरीना कैफ की जगह प्रियंका चोपड़ा को लिया गया था, लेकिन निक जोनस के संग शादी की व्यवस्था के चलते प्रियंका ने फिल्म छोड़ दी थी, जिसके बाद कैटरीना कैफ ने इसे साइन किया था।